नमस्कार आप सभी का। और आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लोकल मंजे और अच्छे मंजे, जो कारीगरों के मंजे होते हैं उसमें क्या फ़र्क रहता है, और यूट्यूब पर कितनी दूरी के पेच लड़ाते हैं, और हमें कितनी दूरी के वो लगते हैं, और वो कितनी दूरी में लड़ाते हैं। तो मैं वो बहुत ज़रूरी है बताना कि कितनी दूरी के पेच हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नायलॉन मंजा सब पेच काट जाते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे पेच लड़ाते हैं। तो ये देखिए, ये मशीन पहले मैं इसलिए आपको वीडियो डाली है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये बनवा लें, जिसका बजट सही है वो बनवा लें, और जो बड़े बड़े शहरों में रहता है उसको ये कम रेट में भी बन जाएगा, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि कैसे बनती है मशीन। ठीक है, तो मुझे अभी खुद भरनी नहीं आती, अभी तो नया नया मैं सीख रहा हूँ, पर से पैड्स इतने सारे हैं मेरे पास, वो बार बार पैर रख देते तो गलत हो जाती है बार बार, तो अभी मैं सीख ही रहा हूँ। तो इससे मेरे को सबसे फ़ायदा यह है कि मेरी जो चरखी टूटी हुई आ रही है मेकर की, मैं मंजा दूसरी चरखी में भर सकता हूँ, और सर्दी के कोन जो होते हैं वो मैं आराम से किसी भी चरखी में। भर सकता हूँ। तो ये देखिए, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इसको लेने की या बनवाने की, तो आप लोगों को भी फ़ायदा हो, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है, बाकी कुछ नहीं। तो अभी अब आपको बताता हूँ कि मंजों के बारे में, लोकल मंजा और जो कारीगर के मंजे रहते हैं उसमें क्या फ़र्क है। देखिए, ये कारीगर का मंजा है, सहानू तालिब है जो कारीगर, लच्छी मंजा है उनका ये, और बाकी दो लोकल मंजे हैं, और ये ब्लू वाली सद्दी है। तो ये लोकल मंजा है, NRK सब डुप्लीकेट वाला है, कोई ओरिजिनल नहीं है। तो जिस होलसेल की दुकान में मिलता है, मैं आपको उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर अभी डाल दूंगा, सब आप लोग मंगवा सकते हैं, एक नहीं मैं जयपुर पंजाब दिल्ली के उनके डालूंगा शॉप वालों के नाम, होलसेल में बेचते हैं जो। ये रहा सानूर तालिब, इनका नंबर आपको दिख रहा हो तो आप लोग नोट कर लें, या मैं लिख दूंगा अभी वीडियो में। तो बहुत अच्छा मंजा है, 4 महीने बाद इतना कांटेदार हो चुकी है इनकी डोर, मज़ा ही आ गया। तो जो खींच में पेच लड़ाते हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर रहेगा ये, एक बार ज़रूर ट्राई करना आप ये मंजे को। थोड़ा रखना पड़ता है, देखिए कारीगर के मंजे को 3 महीने रखना पड़ता है, क्योंकि मसाला चढ़ने में टाइम लगता है, तो जैसे पर 3 महीने बाद 4 महीने बाद उसका रिजल्ट देखना कुछ और ही मिलेगा। और ये विंटर का टाइम है तो कांटेदार डोर लेना, स्मूथ मत लेना, स्मूथ मंजा क्या रहता है घास टाइप का हो जाता है, तो दिक्कत रहेगा जहाँ मॉइस्चर रहता है। ये देखिए पूरा मंजे में जो डोर है इतने अच्छे से चढ़ी हुई, इतना कांटेदार है कि छूते हाथ कटने को रेडी था, ये वो मैं महसूस कर सकता हूँ। और देखिए क्या होता है, मसाला उतरेगा, काफ़ी लोग कहते हैं मसाला उतर रहा है तो मंजा ख़राब है, नहीं जी ऐसा नहीं है, शार्प मंजे का ही मसाला ज़्यादा उतरता है, ठीक है, और हर मंजे का उतरेगा, चाहे वाई किसी का ले लो किसी का भी ले लो, वो तो इतना मसाले पे हो रहा है, पेच चढ़ाते समय इतना नहीं उतरता है, और मसाला तभी उतरेगा जब उसमें मसाला चढ़ा होगा, और जो लोकल मंजे होते हैं इसमें मसाला नहीं चढ़ा रहता है, इसमें सिर्फ एक बार कोटिंग की जाती है और कलर रहता है जो रहता है बाकी, ठीक है। तो लोकल मंजे में नुकसान क्या है, 500 रुपये में 6 रील नहीं 3 रील मिलती है, दूसरी बात कोटिंग एक बार होती है, ये भी नुकसान है, बाकी कलर रहता है केमिकल रहता है वो उतर जाता है, ठीक है, उसके बाद घास है ये पूरा, कितना कांटेदार ले लो स्टार्टिंग में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर जब वो थोड़ा मसाला उतरेगा तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहता है। तीसरी बात एज कम है, 2 साल मुश्किल से टिक जाए बहुत है, अगर किसी किसी का बहुत साल टिक गया तो उसकी किस्मत है, पर इनकी एज 2 से 3 साल रहती है, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं मंजे, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, अजीब अलग ही रहता है इनका, फिर बहुत कमज़ोर टाइप के हो जाते हैं, टूट जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, जैसे घास होती है वैसे ही रहता है फिर ये। और देखिए मसाला उतारो, कोई इसमें वाइट स्पॉट नहीं आएगा, लोग कहेंगे अच्छा मंजा है, नहीं, पर आप वहाँ पे छू के देखना पूरी सद्दी रह चुकी होगी, जिग जैग जैसा बनेगा पूरा मंजा, मतलब जो रहता है छल्ले जैसे जो कहते हैं बनना, वो नहीं बनेंगे। ये 1 साल पुराना है, सहनू तालिब का 4 4 महीने पुराना है, और इन ये मंजे जो मेरे पास हैं ये सब 1 1 साल पुराने मंजे,
ये देखिए कैसी हालत हो गई है। अभी रखूँगा नीचे, कोई इसमें सब देखिए पूरा सद्दी भी अपने आप ही सद्दी की तरह लपेटने लगता है। जैसे उल्टा पल होता है लपेट जाता है, वैसे ये भी होता है। और अभी जाड़ों का टाइम है, ये लोकल मंजर जो यूज़ कर रहा है, जो चाइनीज़ मंजर इनको काट दे रहे हैं, तो देखिए खींच पे पेच चढ़ाना बस, ठीक है। अगर आप ये मंजर यूज़ कर रहे हो तो चाइनीज़ मंजर अगर आपकी पतंग काट रहा है तो ढील मत छोड़ना, सिर्फ खींच मारना, क्योंकि अगर उसने लटका दी तब भी आपकी कटी, इसलिए उनको लटकाने का मौका मत देना। और ये भी है कि 500 रुपये 400 रुपये में 6 रील नहीं सिर्फ 3 रील मिलती है, इसलिए लोकल मंजर में नुकसान रहता है। और जो मेकर का मंजा रहता है, अगर उसमें एक रील में 900 मीटर है, 1000 नहीं होता है, 900 मीटर होता है 1 2 3 में, तो 6000 जो कहता है वो भी गलत है। तो पाँच जब 900 मीटर है तो लगा लीजिए 6 रील के हिसाब से। तो ये कुछ पतंगे, ये कुछ मैंने धूप दिखाने के लिए रखी थी, क्योंकि यहाँ तो पतंगबाजी होती नहीं है, अरे इसलिए अरे 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 आज ऐसी उड़ान निकले कि आपको दिखा सको कि यूट्यूबर कितनी दूर के पेच चढ़ाते हैं। बस तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पतंग है और ये सद्दी है, ये 4 नंबर की है, इसलिए मैं सद्दी से उड़ा रहा हूँ कि हवा बहुत तेज़ है कि टूट के ना जाए। और ये पौना है, जो पौना काइट रहती है वो है, थोड़ा एक कन्ने आगे के बढ़ाए हैं मैंने, पीछे का कन्ना कम रखा है क्योंकि हवा बहुत ही तेज़ थी, तो आगे का कन्ना मेरे को बढ़ाना पड़ा, पर खींच बहुत अच्छी पड़ ली है। अगर आप सही नंबर की सद्दी, 2 नंबर की सद्दी, 3 नंबर की सद्दी यूज़ करेंगे तो सही रहेगा। और सद्दी भी मिलेगी आपको होलसेल के काइट की, जो मैं आपको नंबर दूंगा, आपको इसमें सद्दी, मंजा, ठीक है, चरखी, सभी आपको होलसेल रेट में मिलेगा। तो आपको बस लेना है तो सीज़न से 3 4 महीने पहले रहना है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा पतंगों में। पर एक दिक्कत यह रहती है कि हर सेलर पे आप यकीन नहीं कर सकते, जो यूट्यूब में वीडियो दिखाते हैं चीपेस्ट काइट शॉप, ये वो सब रद्दी चीज़ होती है, आप देखना आप कभी लोगे आपको नुकसान होगा। इसलिए कुछ मैंने सेलेक्टेड ऐसे काइट शॉप देखी है जहाँ फिर भी उतनी मतलब वो लोग धोखेबाजी नहीं करते, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, पर 3 4 महीने पहले लेना। और देखिए जो यूट्यूब में दिखाते हैं काइट शॉप में बारे में, ठीक है, वो भी आपको उससे बच के रहना है कि हर कोई मतलब अच्छी चीज़ें नहीं देता है। मतलब 100 में से अगर आप पतंगे मंगा रहे हो तो 50 पतंगे आ रही हैं, आधी 50 फटी आ रही हैं, तो इन चीज़ों से देखना है आपने। इसलिए ये मैं कुछ जो काइट शॉप के नाम दूंगा, मेरे को सही मिला यहाँ से इसलिए मैं लिख दूंगा, बाकी सब चीज़ बाकी आप आपके ऊपर है, आप मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हैं। तो आप देखिए ये जो पतंग है, आप काइट फाइटिंग की वीडियोज़ देखते होंगे तो ये कितने दूर की लगती है आपको, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, जो देख के सीख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो जिनको आती है वो तो उनको पता है कितनी दूरी में, पर जो नया नया सीख रहा है उनको कितनी दूरी में लग रही होगी। तो ये अभी तक 100 से 100 मीटर या 150 मीटर भी नहीं पहुँची है, ठीक है, ये यहीं पे उड़ ली है पतंग। अभी अभी मैं करते रहूँगा, आगे आपको दिखाते रहूँगा। 5 मेरे पास एक कोन था ये ब्लू सद्दी का, इसमें 5000 मीटर निकलता है, ठीक है। और अभी मैं आपको चरखी दिखाऊंगा कि कितनी उतरी है उसमें से, और इसमें सिर्फ 3000 मीटर सद्दी है बस अभी इस चरखी में, तो देखिए। और ये मैं देखता हूँ यूट्यूब में वीडियोस, तो कहते हैं लॉन्ग रेंज की आज पेज है या मीडियम रेंज के, तो ये शॉर्ट रेंज के पेज है, कोई मीडियम के नहीं है, ठीक है। 200 मीटर है यार ये बस अभी, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस उन लोगों के लिए जो देखते हैं वीडियो से सीख रहे हैं कि नायलॉन मंजा कितने आसानी से छत में से काट रहा है मंजों को, कुछ नहीं है वो, बच्चों की पतंग काटते हैं। अगर आपको पतंग काटनी है किसी अच्छे काइट फाइटर की काटें, और जितने अच्छे ना काइट जो फाइटर रहते हैं या उड़ाते हैं अच्छी पतंगबाजी, वो कॉटन का ही मंजा यूज़ करेंगे, 90% कॉटन का मंजा यूज़ करते हैं। और चाइनीज़ मंजे को लोग कहते हैं नहीं काटा जा सकता है, भाई कॉटन का मंजा चाइनीज़ मंजे को काट सकता है, बस आपको शार्प मंजा लेना है, जितना कांटेदार मंजा होगा खींच में पेच चढ़ाना है, ट्रिक होनी चाहिए आपकी, स्किल अच्छी होनी चाहिए, खींच का पेच चढ़ाना है, खींच कैसे मारनी है मतलब, और सबसे मेन बात क्या रहती है पेच में, आपको जोशीला नहीं बनना है, आपको थोड़ा सब्र दिखाना है, सब्र दिखाओगे भाई काइट फाइटिंग इसी के ऊपर होती है, सब्र के ऊपर। अब ये देखिए ये पेच कितने दूरी का है, 300 मीटर गई है बस सद्दी, ज़्यादा से ज़्यादा,
और इसको लोग लॉन्ग रेंज कहते हैं। तो 300 मीटर कैमरे में लॉन्ग रेंज दिख रहा है आपको, ये लॉन्ग रेंज नहीं है, देखिए सद्दी वैसी की वैसी है पूरी। तो ये लॉन्ग रेंज नहीं है, ये सिर्फ 300 मीटर गई है पतंग। तो वो लोग कितने पास के पेज काटते होंगे, और आप लोग सोचते हैं इसने इतने पेज काट दिए, वो भी नायलॉन से या कुछ, तो नहीं, वो आप भी काट सकते हो बच्चों की पतंग। आपको बस ये सीखना है, जो नए पतंगबाज हैं, जो नए सीखने हैं, उनको बस काइट की ट्रिक सीखनी है कि कैसे काइट कट काट रहे हैं आप वो लोग, ना कि कौन सा मंजा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग इतने सालों से पेज चढ़ा रहे हैं, और वो खींच में इसलिए लड़ाते हैं क्योंकि खींच में ही चाइनीज़ मंजा को काटा जा सकता है, क्या चाइनीज़ मंजा नहीं, नाइलॉन को। तो आप लोगों को बहुत चीज़ सीखनी है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए आज मैंने वीडियो बनाई है। क्योंकि मैंने बहुत जो काइट फाइटर उनको देखा है, जिनसे लोग सीख रहे हैं, वो नाइलॉन यूज़ कर रहे हैं, तो मत करिए नाइलॉन यूज़, क्योंकि काफ़ी लोग आपको देख के सीख रहे हैं। ये भी मजबूरी थी कि मैं 4 नंबर की सद्दी उड़ा रहा हूँ से उड़ा रहा हूँ, वरना मैं नहीं उड़ाता, सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि ये भी बहुत स्ट्रांग रहती है। और देखिए कितना कर्व बन रहा है, आपको जूम करके दिखाना पड़ेगी अब पतंग को। तो ये देखिए मैंने आज टोटल जो सद्दी यूज़ की है ना अपनी वीडियो में, वो 300 साढ़े 300 मीटर यूज़ की है बस। तो देखिए पतंग कहाँ पहुँच गई अब। तो आप लगा लीजिए कि यूट्यूबर्स जो हैं कितना बेवकूफ़ बनाते हैं, ये देखिए अभी भी छोड़ लो मैं। तो 350 मैंने यूज़ किया, मैंने देखा था कि इतनी यूज़ होगी, 400 से ज़्यादा 400 हुई होगी, 400 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हुई है। और 400 तक शॉर्ट रेंज के पेज होते हैं, ना कि मीडियम या लॉन्ग रेंज। तो आप लोगों को ये सीखना है, नायलॉन भी काटता है पेज, क्योंकि वो मंजा नहीं है, वो नायलॉन है यार, तो पेज काटना है उसने। और बच्चों के पेज कोई भी काट सकता है, बेचारे छत से थोड़ा पार करे, आपने खींच मार दी वो तो कट गई, तो बोल दिया काट दी नहीं, इतने दूर लड़ाओ चाइनीज मंजे से पेज, और तब काटो तब माने। तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगी शायद वीडियो, क्योंकि लोग नायलॉन मंजा ज़्यादा यूज़ करते हैं, बस उनको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक तो लोकल मंजे के लिए, कि लोकल मंजे और मेकर के मंजे में क्या फ़र्क है, कि और क्या धोखेबाजी रहती है लोकल मंजे में, बस इसके ऊपर, और एक इसके ऊपर कि कितने दूर के पेज हैं। क्योंकि पास का पेज आप हर कोई काट सकता है, ठीक है, खींच मारना ये आप सीख सकते हो, इसकी ट्रिक सीख सकते हो, आपको खींच कब मारनी है, ढील कब छोड़नी है, पर कौन सा मंजा कौन से मंजे को काट सकता है ये आप नहीं सीख सकते। और नायलॉन मंजे भी डुप्लीकेट आते हैं, ठीक है, आप लोग लेते हैं 500-600 रुपये का, कितने सर में 500-600 रुपये का मिलेगा, 2000 मीटर ही निकलेगा, तो वो भी तो धोखाधड़ी है। और ओरिजिनल कब के बैंड हो गया, चाहे कितने लोग कहें ओरिजिनल है, वो बैंड हो चुका है, लाखों का जुर्माना है, तो बच के रहिएगा। पता नहीं, वो तो हमारी गवर्नमेंट इतनी करप्ट है, तो मुझे पता नहीं है कि वो एक्शन क्यों नहीं लेती है, वरना काफ़ी जगह इतना नुकसान हो चुका है इसके वजह से कि पतंगबाजी ही बैंड है। तो इन चीज़ों से बचिए, कर आपको नुकसान ना हो, ठीक है, फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, और पतंगबाजी मज़े के लिए उड़ानी चाहिए, ना कि आपको पतंगबाजी सिर्फ शौक के लिए उड़ानी है, ठीक है। सब्र दिखाना है, पतंगबाजी हमें सिखाती है सब्र दिखाना, कि सब्र कितना होना चाहिए। तो आपको शायद कितने जनों को थोड़ा लेक्चर लगेगा ये, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी नायलॉन यूज़ हो रहा है, कट के छत में गिरता है, ठीक है, मेरे ही पैड कितने बार बच चुके हैं, 5 है मेरे पास पैड, और वो कितने बचते हैं, वो इस मंजे से वो कूदते हैं, मंजे को मुंह से पकड़ते हैं, तो नुकसान होने का बहुत डर रहता है, ठीक है। तो ये है 400 से 350 मीटर की दूरी, अब जूम करिए, आपको दिखाते हैं, जूम करके बनाई है वीडियो, फिर भी ये 300 साढ़े 300 मीटर उससे ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने आपको चरखी बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी दिखे कि कितनी दूर है, और सिर्फ 3000 मीटर चरखी में मेरी सद्दी सिर्फ 3000 मीटर है। आपको बस पतंगबाजी में ध्यान रखना है, सब्र दिखाना है, कब खींच मारनी है, दूसरे ओपोनेंट को मौका कब नहीं देना है, अगर ओपोनेंट आपको पेच नहीं लड़ाने दे रहा तो आप भी मत लड़ाने दो, वेट करो और अपनी मर्जी का पेच लड़ाओ।
आप लोग ट्रिक सीख सकते हो यूट्यूब से, बाकी पेज आप ही को डालना है, ठीक है। कभी कभी वो ट्रिक आपको काम नहीं आएगी, तो इसका मतलब आप गलत पतंगबाज थोड़ी ना हो जाओगे, आप सीखोगे। बचपन से हम लोग पतंग, आप यूट्यूब में अब आने लगी है वीडियोस, बचपन से तो हम लोग अपने मन से ही पतंग उड़ाना सीखें। जितनी टेक्निक स्किल हमारे अंदर है वो अपने आप ही आई है, एक्सपीरियंस आई है। तो फिर अवॉइड करें जो गलत चीज़ सिखा रहा है, उनकी वीडियोस को अवॉइड करें। इसलिए अवॉइड करें क्योंकि वो लाखों लोग उनको देखते हैं और उनसे सीखते हैं, और ऐसे तो नायलॉन का ख़त्म होने वाला है ही नहीं फिर सिस्टम, नायलॉन चलते रहेगा और नुकसान होते रहेगा, वो भी जान का नुकसान। तो बचिए इन चीज़ों से, और खींच मारना भी सदी पकड़िए, पौनी पतंग पकड़िए और स्टार्ट हो जाइए खींच मारना। हवा तेज़ हो तब यूज़ करिएगा, पक्का आपकी खींच अच्छी होगी। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है कि काफ़ी लोगों को शायद पसंद ना आए, पर ये बताना बहुत ज़रूरी था मुझे। तो बाकी आपके ऊपर है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं थोड़ा कंपटीशन की बनाऊंगा, C28 वर्सेस रॉकेट, 123 वर्सेस 8057, ऐसे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।